डेकोरेशन करवाया जाता। बाय, लव यू, बाय। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहना आंतीवल। आप सबका मेरे चैनल कहना आंतीवल में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आइए, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छी हूँ। आज भैया जा रहे हैं, 8 बज रहा है, बस निकलने वाले हैं। भैया भैया मैं बोलो कहाँ जा रहे हो? फैजान के पास। फैजान खो गया था क्या कल? इनका फैजान भागता रहता है घर से, ताजिया देखने निकल गया था। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी से भैया को भेज देती हूँ। नाश्ता वाश्ता सब बना के दे दिया है मैंने भैया को। चलिए, बुरा लग रहा है। बाय बाय, लव यू। हो गया, अंदर तो छोड़ के आऊँ क्या? नहीं नहीं, अच्छा चलो ठीक है, बाय। धूप लग रही है, मिली है। को बता दो। ठीक है चलो, बाय, ओके, ख्याल रखो अपना, अल्लाह हाफिज। आजादी मेरा हक है। हाँ, जाओ आजाद रहो, जाओ आजाद रहो। मैं तुम्हें क्यों परेशान करूं भैया? तुम्हें परेशान करने को मेरी भाभी काफी है। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, आजादी मेरा हक है। चलो ठीक है, जा रहा हूँ अपनी बोरिंग लाइफ में। हाँ जाओ जाओ बोरिंग लाइफ में। तुमने तो जल्दी जल्दी रिजर्वेशन करवाया था। बाय, लव यू, बाय। भैया को छोड़ के अभी आई हूँ। बुरा लग रहा है, जब कोई आता है तो अच्छा लगता है, जब कोई जाता है तो बुरा लग रहा है। वही तो है, रिजर्वेशन करवा लिए जल्दी जल्दी, चले गए हम। चलिए जल्दी जल्दी काम शुरू करते हैं। मोबाइल को पता नहीं क्या हो गया है मेरे। कल भैया टीवी वाले को बोल के आए थे, नंबर मेरा दे के आए थे, पर पता नहीं क्यों मेरा मोबाइल ही बंद हो गया है, चल नहीं रहा है। देखती हूँ दूसरा वाला, ये नहीं। अरे मेरे बच्चे, तुम भी लाए हो हमें, ये तो तुमने पहले बताया नहीं। वीडियो का इंतजार कर रहे थे, तुम बहुत बड़े वाले हो कि जब मम्मी वीडियो बनाएंगे तब दोगे, इतनी देर से छुपा के रखा हुआ था। तो फ्रेंड्स देखिए, फराज मेरे लिए फ्रेंडशिप बैंड लेके आया है, और पहले मेरे लिए ये फैज फ्रेंडशिप बैंड लेके आया था। इसने मंगवाया होगा भाई साहब से जो भी है, तो ये मुझे फैज ने दिया फ्रेंडशिप बैंड। मैं सहेली हूँ ना इन लोगों की, सखी हूँ। तो फ्रेंड्स ये मुझे फैज ने दिया है फ्रेंडशिप बैंड, और अभी ये फराज अहमद लेके आए। थैंक यू। तो आज फ्रेंडशिप डे है। तो आप सबको मेरी तरफ से फ्रेंडशिप डे बहुत मुबारक हो। मेरी जितनी भी दोस्त हैं आई लव यू, और जितने भी दोस्त नहीं हैं उनको भी बहुत ढेर सारा प्यार। आपके सब्सक्राइबर, हाँ, और मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरा प्यार, मेरी दोस्त, मेरा परिवार, उन सबको भी बहुत ढेर सारा प्यार इस फ्रेंडशिप डे के मौके पे। और मेरी खास जो दोस्त हैं, मैं उनको नाम से बताना चाहूँगी, जो मेरी दोस्त हैं वो हैं दरक्षा, फरहा, फराना, ये मेरी बेस्टी हैं, और जान है मेरी, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। तो इन सबको मेरी तरफ से फ्रेंडशिप डे बहुत बहुत मुबारक हो। सीमा, तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। तो ये हैप्पी फ्रेंडशिप डे आप सबको मेरी तरफ से। और जो दोस्त छूट गई हैं वो बुरा ना माने, होली है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये मुझे फ्रेंडशिप डे दिए हैं मेरे बच्चों ने, थैंक यू बच्चों। पहले हम लोग भी स्कूल टाइम में लेके जाया करते थे, मैं तो खुद बनाती थी कुछ ना कुछ अच्छा सा, झांसी में बहुत बनाया। और मैं एक और गिफ्ट दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को। फ्रेंड्स देखिए, ये मुझे ने फैज ने दिया है। ये लेट हो गया बेचारे का, इसने ये ऑर्डर दिया था, ये टाइम पे नहीं आ पाया उसका, और उसने लेट ऑर्डर दिया था इस वजह से, तो उसका ये बर्थडे का टाइम नहीं आ पाया, फिर ये जा नहीं पाया वहाँ पे, मैंने इसे निकलने नहीं दिया, कुछ मौसम ऐसा हो गया तो ये ला नहीं पाया था, आज ये लेके आया है। तो ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है, फैज ने मुझे दिया। कितना प्यारा सा, कितना क्यूट सा गिफ्ट है, देखिए। तो फ्रेंड्स ये गिफ्ट मुझे फैज अहमद ने दिया है, और इस पर लिखा है हैप्पी बर्थडे टू यू 27 जुलाई 2023। तो मैं 2023 में फिर से पैदा हुई, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अब यहीं पर अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। थोड़ी थोड़ी बारिश हो गई, अब देखते हैं कि क्या हाल हुआ होगा अलीगढ़ का। नहीं वैसे अभी तो थोड़ी हुई है, इतने में तो इतना हाल नहीं होगा, सुबह तक क्लियर ही हो जाएगा। और आज भैया चले गए, भैया के बगैर ये रूम बड़ा ही बेकार लग रहा है, और अच्छा नहीं लग रहा है भैया के बिना। यहाँ पे भैया
अपना मोबाइल पे लगे हुए थे, बोर हो रहे थे वो, लेकिन फिर भी अपने मोबाइल पे लगे हुए थे यहाँ पर। और भैया की सबसे अच्छी बात कि जब मैं आके देख रही थी तो भैया अपना ब्लैंकेट फोल्ड कर रहे थे। मैंने कहा भैया तुम सुधर गए, ये कैसे हो गया? कहते नहीं मैं तो कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा भैया आप तो सुधर गए हो। तो भैया की याद आ रही है, अच्छा लगा भैया आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा बर्थडे बहुत अच्छा भैया ने मनाया, क्योंकि अगर भैया नहीं होते तो शायद मेरा बर्थडे इतने अच्छे से नहीं मनता, क्योंकि रात को भी वो मज़ा नहीं आता जो भैया ने रात को 12 बजे बच्चों के साथ में केक सेलिब्रेशन किया। और दूसरे दिन भी हम बाहर डिनर पे नहीं जाते क्योंकि भैया नहीं होते, तो अकेले मुझे अच्छा नहीं लगता बच्चों को लेके कहीं डिनर पे ऐसे जाने का। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे ब्लॉग देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय। जय हिंद, जय भारत।